अस्सलाम वालेकुम। आपको इनविटेशन मिली सभी की। एंजॉय जा रही बीच में से। डिस्प्ले है भाई, चले बस ऐसे ही पराठे आ जाए उधर टेबल पे। बड़े अच्छे इससे अच्छी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वीरन वीनियों की हाल है, तुसी ठीक हो? देखें जी, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। हमने आज जाना है इफ्तारी पे। तुसी कहोगे कि इतनी तैयारी, बस कुछ ना पूछो, अपने आप नु सिद्धा करने वास्ते फिर मेहनत थोड़ी बहुत करनी पैंदी बंदा बेहोश होया हुंदा काम कर करके। तो ये जी कुछ गिफ्ट था, ये मैं लेके जा रही हूँ आयला के लिए। मेरे पास सेट था, टाइम नहीं मुझे मिला। बड़े ही अच्छे ये बॉक्सेस हैं फूड इसमें डाल के रखने के लिए, और बड़ा खूबसूरत इनका डिज़ाइन है। तो मैंने कहा ये ले जाती हूँ, कितने दे आएगा कि नहीं आएगा। चलें, मेरे हस्बैंड बस फ्लावर लेने गए, तो बस फिर हम चलते हैं और आपको वहाँ चल के मिलते हैं। मौसम देखें अच्छा है, तो अभी हम आपको वहां चल के मिलते हैं। ये पकड़ो बस अभी। नहीं डैडी कहाँ चले गए आप? ये पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। बस आ रहे हैं अभी गाड़ी पार्क करके। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आप इधर आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? ठीक है। आपको इनविटेशन मिली थी सभी की दुआएं खैर की, आपने आना। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी सारे ही बड़ी मोहब्बत से मिले। आगे बड़ा ज़बरदस्त इफ्तारी का अहतमाम था, स्प्रिंग रोल थे, समोसे सी, पिज़्ज़ा सी, बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही सब ने इंजॉय किया। यहाँ पे सब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं, अयान और यहाँ पर ये हैं आयला। तो बहुत सारे फ्रेंड से वहाँ पे मुलाकात हुई, बड़ा ही अच्छा लगा। बड़ा ही प्यार मोहब्बत वाला एक फील आता है जब आप मिलते हैं रमज़ान में, अपनों के साथ मिलके इफ्तारी करते हैं, और आपके बच्चे भी उस चीज़ को बड़ा ही अप्रिशिएट करते हैं, और उन्हों का फिर दिल नहीं करता कि वो घर जाए, उन्हों दिल करता इत्थे ही रहना। ये आंटी ने बनाया हुआ है, ये आंटी कैलीग्राफी करती हैं बड़ी ज़बरदस्त, और देखें कितना ज़बरदस्त है ये, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। यहाँ पर जी इफ्तारी हो गई, नमाज सब ने पढ़ ली, और यहाँ पर फिर खाने का टाइम था। यहाँ पे जी निहारी जो है वो निकल रही है, निहारी बनाती हैं फायज़ा, आपको आगे चल के हम उनसे मिलवाते हैं, और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और बड़ी ही सुगड़ और बड़े अच्छे खाने बनाती हैं। और ये देखें निहारी कितनी ज़बरदस्त इन्होंने बनाई हुई है। वही जो कराची से मेरे जो दोस्त हैं वो अग्री करेंगे कि भाई कराची के रहने वाले लोगों की कुकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, शायद हैदराबाद और थोड़े उस साइड वाल चली जाते हैं उन्होंने फ्लेवर्स जिहड़े थोड़े जे मुगलिया दौर नाल रिजेंबल करते हैं। तो यह जी तरी सी प्याज सन, और निहारी के ऊपर इनका ज़बरदस्त जो है वो जोड़ तोड़ डाला जा रहा था ताकि इसका मज़ा और दुबाला हो जाए। तो ये जी फायज़ा है, और ये आंटी भी आई हैं फिर चेक करने, और आंटी भी अपना दसदे पे सन कि भाई किड्डी वधिया बनी है। तो मैं कहती पई सां साडे पाकिस्तान दियां कुड़ियां किन्नियां सुगर ने, एक डॉक्टर है, एक IT कंसल्टेंट है, इन्हां दियां फुल टाइम जॉब्स ने, पर खाने जिहड़े पकांदियां ने ते इंज हुंदा है कि जिस तरह बहुत ही किसी माहर बंदे ने कुकिंग कीती है, और अपने बच्चों को भी बड़ा अच्छा तरबियत और सारा कुछ करती हैं। तो सलूट है भाई पाकिस्तानी खवातीन को कि जिथे भी होन अपना कल्चर अपना रिलीजन उसको ये कायम रखते। मैंने कहा मैं सबकी बनाती हूँ।
इनकी बनाओ, मैं इनसे तो बात ही नहीं हुई आज तो मौके नहीं मैं मेरा ना पीछे ऑफिस है, मैं वो ठीक कर लूँ। अगर आप रेडी होंगी तो ऑफिस में ठीक कर दूँ, वहाँ पे प्रॉपर ब्लॉग हो सकता है। अच्छा, ऑफिस है मेरा, मैंने छोड़ दिया वो पॉडकास्ट वगैरह के लिए। सॉरी, अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑफिस बना लिया वो। अच्छा, अकेला होता था घर पर, मैंने पूछना छोड़ दिया था, इधर बैठू इन्हें पता तो उन्हें भी कर दूँ। हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे चल रहे हैं? मेरी कमी नहीं महसूस कर रही ये जी हमारे व्यूअर्स आइए नहीं जी प्लीज आपके सारे को बदनाम करवा दिया मुझे लगा जो नहीं जानते जिन्होंने 20 साल घूम लिया वो घूम कर दिया उनका जमीन भाई क्या कर रहे हैं इतना पसंद किया था सबने इनको हमारे व्यूअर्स ने इतना पसंद किया था है ना हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह। कितने महीने चला? एक साल से ज्यादा चला मैंने। बहुत अभी अभी हमारा फर्नीचर नेक्स्ट वीक आना है। बहुत हम तो थक गए, अब तो हमारा नई चीजें भी खोलने को दिल लगा। कॉस्ट की तो मत पूछे भाई, ये बच्चा यूके का है लेकिन इतनी अच्छी उर्दू बोलता है, ये इतनी अच्छी मजेदार पाकिस्तान वाली बातें करता है कि इसको देख के लगता ही नहीं है यहाँ पे रहता है। एंड क्रेडिट गोज टू इस मामा है, मामा ये आपकी मशहूरी करेगा। नहीं अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। पंजाबी बोलना सीख, देखे अब आपके साथ है सब। इन्हें उन्होंने भी बेइज्जती कर दी थी। नहीं तो पंजाबी नहीं थी वैसे। हैं? हाँ। ईमान है तो इतनी सारी बोली भी नहीं था, इसकी इज्जत खराब हो गई थी। तूने मुझे नहीं जमे आज सीखा। थोड़े सीखे हैं ते। पूरा हफ्ता हो गया था मामा को। अच्छा। नहीं जमे आज। जैसे तो नहीं है मेरा बेटा। करती है। अब शुरू किए। वही तो बता रही हूँ, मेरे बेटा मेरी भांजी बनवाती है ना। मैं हादिया पे मैसेज चल रहा था। सबसे पहले मुझे दोस्त जुनैद जमशेद आया था। वो अयान कह रहा था मेरा बेटा उसको वो चाहिए जो आजकल नहीं, क्या कहते थे अभी थोब के, क्या इसका नाम थोब, लेकिन देखें कितना जबरदस्त डिस्प्ले है भाई। चले आपका लैग क्यों कर रहा है इतना, इसका बैटरी खत्म होने वाली है। बैटरी खत्म होने वाली है इस वेट। चलो बनाएगा पराठे, वो कह रहे हैं मैं नहीं नजर आया बिना तुम्हारा। हां 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 हां, ये सारे बर्तन बाहर धोने नहीं पैसे बाहर इसके। नहीं नहीं बस रहने दे। ये लोग हॉट सॉस जगह है, पता है कि ये लोग दोबारा आए हैं। नो सीरियसली, हां हां लेके आओ तो मैं ऑमलेट बना लेती हूं। अरे मैं बनाती हूं ऑमलेट, मेरे हाथ का खाओ आज। मैं बनाती हूँ सुबह तेरे ट्यूशन ना। अरे अब मैं बनाती हूँ आटा गूंदा। आटा गूंद लो, हाँ 2 मिनट लगेंगे, इतनी दूर लेने जाएंगे।
चलो सुबह से हम काम कर रहे हैं, इनको भी अभी काम करना है तो कुछ नहीं होता। और मैं सलमान ये इतनी बेइज्जती है ना तुम्हारी, रिकॉर्ड हो गया देखें जी। बस ये हंसी मजाक था और बड़ा ही सब इंजॉय करते हैं, कंपनी हंसते खेलते हैं। और फिर इसरार फिर यह सी कि हुण सैरी भी इत्थे ही करनी है। बच्चे जड़े ने वो भी बड़े ही एक्साइटिड हो गए कि असी करांगे। मैं कही जा रही थी आयला को कि ना मैं बना लेती हूँ, चलो। वो कहती नहीं नहीं रहने दो तुम, इनको जाने दो, लाने दो, बने बनाए पराठे हम खाते हैं, कहते हम घर ही सुबह से बना ही बना। अच्छा चलो तुम बैठो ना, तुम ना करो, ये दोनों तो बना रहे हैं। तो चले मैं और नुसर जाते हैं हम किचन। आए जरा उठे 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 पिछले हफ्ते बना रहे हैं तो बना लेते हैं। हाँ बना लेते हैं। नहीं नहीं भाई सब करने दो, तो फिर घर किचन साफ होने लगा भाई अब। वही ना वैसे उसको पता क्या है, अगर यहीं से ऑर्डर कर देते ना। हाँ उनसे ऑर्डर कर दे, सही बात है। हाँ इधर से ऑर्डर करके निकले बस पिक करना होगा। हाँ हाँ सलमान बस जी। सानू सारिया नू फिर आयला ते तरस आ गया सी कि बेचारी ने इन्ना काम किया है, इन्ने बर्तन कट्ठे हो गए ने सारे किचन च आ गए। कोई बर्तन धोन लग पिया, कोई कुछ करन लग पिया। मैं इत्थे ऑमलेट दे कट्टे प्याज टमाटर हरिया मिर्चा धनिया इन्ना वधिया मैं कट्टिया के की मशीन ने कट्टिया होना तो जी जबरदस्त सी हमने कटिंग कर ली यहाँ पे। और बस जी फिर अंडे जड़ले अंडे आए थे, पता चलिया कि 9 अंडे ने, पर फिर भी सानू लग्या कि अंडे थोड़े ने, पर मैं क्या चलो कोई नहीं हूँ जान दो जिन्ने भी हैं ने, बस इन्ना ही बनाने ऑमलेट। क्योंकि पराठियां दे नाल दाल भी आनी सी, नाल निहारी भी सारियां दे दिमाग च ऐसी कि वह भी पई है, वह भी खाधी जाएगी। तो मैं क्या इन्ना क अंडिया का ऑमलेट जोड़ा है वो ठीक हो जाए। तभी हमारे हाथों का सत्यानाश हो जाता है इतने गर्म पानी से। अच्छा नमक मिर्च कहाँ है, जरा इसको चेक कर देंगे हम। यार थोड़ा सा नहीं, उसने ऑर्डर दे दिया वो अच्छा किया था, पता इधर से दे दिया। अंडे थोड़े लग रहे हैं। मैं क्या कहूँ उसको, मैं उनको भी एक सेकंड में ये बल्कि मैं पेट्रोल पंप से ही दे आती हूँ। आयला 2 बजे को, अभी 1 बजे पेट्रोल पंप। हाँ रहने दो। अच्छा मेरी बात सुनो, नहीं नहीं ये जितना जितना इसमें बनेगा ना बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जितना इसमें बना बस इतना ही ठीक है। ये देखो हाँ ये देखो सही है, ये पेट्रोल पंप से। नहीं 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 बस ठीक है रहने दो, है ना। टमाटर और डाल दे, टमाटर और वो फिर कम पड़ जाएगा ना अभी, ठीक है नहीं तो टूट जाएगा। मैं चाह रही हूँ मैं इसको फ्लिप वाला वो बनाऊं, जो नहीं पीसेस बनते सैंडविच की तरह। अच्छा, वो वाला एक पूरी रोटी नहीं, नहीं डाल लेते हैं थोड़ा सा। मैं तो डाल लेती हूं। अच्छा लाए थोड़ा सा डाल, यहाँ भी रखा होगा थोड़ा सा। चलो बस यहाँ पे ऑमलेट बनेगा, उधर पैन धुल रहा है 10 मिनट चलो हम बनाते हैं इधर ऑमलेट जी। वो आर्ली से ऑमलेट बनाएंगे इधर। अच्छा वो बटर है, बटर बटर में अच्छा बनता। कोई ऑमलेट है, ऑमलेट कोई नहीं है स्पेशल ऑमलेट हम बनाने लगे हैं दूसरे पैन में भी जल्दी जल्दी। पराठे ऑन द वे हैं और मैंने तो कहा था मैं पराठे भी बना लेती हूँ, मेरे हाथ से सैरी खा लो आज पर इन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया खिदमत का है। देखो इसको नीम तो लगता है फ्रिज चपड़ के आ जाए देना।
चलो अब बनता रहेगा। उसकी तो आग बड़ी तेज हो गई दूजे वाले की। ओमलेट नूं जी असी थोड़ा जिहा ढक दिता सी कि जरा पक जाए, पर फ्लैट चम्मच नहीं सी जिहदे नाल मैं इहनूं पलटांदी और इहदा मैं रोल बणांदी। फिर मैं कहा चलो इहदे मैं पिज़्ज़े वाले करां चार स्लाइस और इसको फिर मैं ऐसे ही पका लूँगी। मैं इहनूं तोड़ना नहीं सी चाहती। फायज़ा ने कहा कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर लो ऊपर से तो ये पक जाएगा, लेकिन मेरे जिहड़े ने ना पैन वो ज़रा शैलो ने और चम्मच जिहड़ा है वह भी शैलो है, तो फिर उहदे नाल तुसीं इहनूं पलटा सकते हो। तो बस जी बड़ी वड्डी सर्कस सी असी कुछ इस तरह करके ओमलेट नू फिर पलटाया पलटोया और असी क्या कि चलो फिर इन जी खा लेंगे सारे ना, एक एक पीस हिस्से आ जाएगा उंज शायद ना सही बनता, पर चलो यह भी ठीक ही सी। मकसद यह होंगे कि कट्ठिया बैठ के इंजॉय किया जाए, एक ब्यूटीफुल मैमरी बने, बच्चों भी पता चले कि कट्ठिया सहरी जी किस तरह की जाती है। और ऐ जी इन्नी देर च बाहरों नाश्ता भी आ गया, नाश्ता नहीं सहरी आ गई। चलें जी गरम गरम ऑमलेट भी रेडी। अब जाए, अब काम हो गया। दाल बड़ी जबरदस्त है ना। ऑमलेट रेडी, बस निकालो। नहीं नहीं इसमें इसमें ही आ जाएगा सारा। बंद कर दो। तुमने तो फोटोग्राफी मूवी मेकिंग ही लेना होगा आगे का ना। यू गॉट स्किल्स नाउ। बड़ी स्किल्स। हाँ तो क्यों नहीं। इंग्लैंड विच ना क्लॉक जिहड़े ने घंटा अगे जांदे ने, जदों इत्थे दिन बड़े लंबे हो जाणा ते इत्थे टाइम एक घंटा अगे कर छड्डदे ने, चेंज कर देंदे ने। पाकिस्तान ते इंज हुंदा हुंदा सी ना कि एक घंटा स्कूल अर्ली लगदे सन या काम एक घंटा जल्दी स्टार्ट हो जांदा सी, इत्थे घड़ियां ही एक घंटा अगे कर देंदे ने ताकि लोग कन्फ्यूज ना होण। तो जी एक घंटा क्लॉक अगे जाने के नतीजे में असी इत्थे ही रह गए। 12 बजे तो बाद घड़ियाँ सीधियाँ 2 बजे तो चलिया गई। तो फिर जी सलमान भाई ने और सब ने कहा कि भाई सैरी इधर ही करनी है और बस जी फिर वो सारू सू मैं कहनी हाँ जिंदगी की एड्डी खूबसूरत मैमरी बनी कि बच्चे सन असी सारे उत्थे और किन्ना रहमत वाला टाइम है कि तुसी डिफरेंट लोग डिफरेंट शहर तो डिफरेंट फैमिलीज़ तो किसी एक जगह पर इकट्ठे हो के तुसी सैरी करते हो, रोज़ा रखते हो, तुहाडे बच्चे भी उत्थे ही ने, उन्हां नूं किन्ना चंगा लगता है। शायद उन्हां दी जिंदगी दा पहला एक्सपीरियंस अयान दा स्पैशली कि सारे मिल के किस तरह रोज़ा रखते हैं, तो उन्हूं बड़ा ही चंगा लगा। पराठे जी बड़े जबरदस्त सन, मैं वैसे काफ़ी इंप्रैस हुई। मैं तो समझी वो बने बनाए होणगे पर उन्होंने ताज़े बनाए सन। और इत्थे जी फिर समान सारा जा रहा सी टेबल दे उत्ते कि बच्चों भी फिर सारियां बुलाया कि आ जाओ आ के तुसी रोज़ा रखो। तो जी जिंदगी की एक खूबसूरत मैमरी क्रिएट हुई कल और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ आयला का, सलमान भाई का, फायज़ा का, जिन्होंने बदर भाई भाई आप ही मिल के ही सारे कर देने ना, और भी जो गेस्ट मेहमान आए हुए थे। चलो यानी ओके जी अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं है गाड़ी है। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सबको।